नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। दुनिया के सोयाबीन के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता ब्राजील से सोयाबीन का निर्यात करना बहुत महंगा होता जा रहा है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और खराब सड़कों की वजह से माल भाड़ा महंगा हो गया है। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए राहत की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से पेट्रोल और डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स कम करने का आग्रह किया है। जौ आयात बंद होने के कारण बियर फैक्ट्रियों में जौ की सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी जितनी की मांग थी, जिस वजह से जौ का दाम एमएसपी से भी दुगना बढ़ गया है। हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ यानी कि हैफेड द्वारा हरियाणा की मंडियों में गेहूं की कमर्शियल खरीद शुरू करने से भाव 25 से 30 रुपए प्रति क्विंटल तेज हो गए हैं। ग्राहकी कमजोर होने से हाल में सोया तेल के भाव 900 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। भविष्य में और ज्यादा तेजी की अभी संभावना नहीं है। सोया तेल के भाव 900 रुपए बढ़कर 16,500 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। आज सोना और चांदी के भाव में गिरावट आई है। आज एमसीएक्स पर सोने की कीमत 51,511 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है, जबकि चांदी की कीमत 64,941 रुपए प्रति किलोग्राम रह गए हैं। महीने में कैटल फीड के दाम 30% तक बढ़े हैं। मक्का, सोयाबीन, गेहूं सभी के भाव में उछाल देखने को मिला है। दो महीने में गेहूं के दाम 18 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 26 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। पाम तेल की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट इस अंदेशे के चलते आई है कि खाद्य तेल के निर्यात पर इंडोनेशिया का अचानक प्रतिबंध लगाना आशंका के अनुरूप सख्त नहीं होगा। इंडोनेशिया केवल थोक और पैक्ड आरबीडी पामोलियन के निर्यात को रोकेगा। भारत ने अर्जेंटीना से सूरजमुखी के तेल पर 30% निर्यात शुल्क हटाने का आग्रह किया है और इसके बदले में मर्क्यूसर कंट्रीज यानी कि दक्षिणी अमेरिका के देश के साथ मौजूदा तरजीही शुल्क समझौते के तहत खाद्य तेल पर आयात शुल्क में रियायत देने की पेशकश की है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम फिर से बढ़ने लगा है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में सफदरजंग वेगशाला में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस बीच गुरुवार को लू चलने और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का पूर्वानुमान जताया गया है। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।